आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, ओए नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है धर्मपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पास डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा, पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। मैं अपने पापा की भी परी हूँ, मैं अपने मम्मी की परी हूँ, मैं अपने दादू की परी हूँ। जादू से मैं एक दिन उड़ के सबके घर पे जाऊंगी, सबके सपनों में आऊंगी। ओ पुत्र सो जा छेती, रात हो गई है बहुत। आई मम्मी। आया मम्मा। हाय रब्बा, पढ़ते पढ़ते यहीं पे सो गई। कहीं भी पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अरे ये पौध भी कब चलेगा। मम्मा को नींद नहीं आएगी अपनी लाडो के बिना। चल अंदर चल के सोते हैं। चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। अरे सोफा कोई सोने की चीज है पुत्र। चल शाबाश, ये देख ये पेन भी ना, तुम बच्चे ना चीजें किताबें पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हो। आ जा चल। अले अले अले, पढ़ाई करते करते मेरे बब्बू को सोफे पे नींद आ गई है और मम्मा अंदर वेट कर रही है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या ढूंढ रहा है? मिस स्क्रैपबुक खो गई। अरे तू तो ऐसे टेंशन ले रहा है कि तेरी स्क्रैपबुक नहीं तेरा टिफिन बॉक्स खो गया हो। फालतू की बातें मत कर, मैं सब ढूंढ। अच्छा ठीक है, तू वहां ढूंढ, मैं वहां ढूंढता हूँ। आ जा जल्दी जा। ओए की लब रहे? बस एनी जी गल। हाँ आप भी ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढता हूँ, आप वहां ढूंढो। रुक जा, खड़ जा, मैं ढूंढता हूँ। हाय रब्बा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह? अरे मेरी स्क्रैप बुक घूम गई। ऊपर जा जी दी, कोई क्रैप चरैप पता नहीं। स्क्रैप प्रा स्क्रैप बुक। हाँ प्रैप बुक गुम होगी। कहाँ रखी थी? अरे बैग में ही रखी थी। ढूंढती हूँ मैं। ढूंढो ना। रविंदर नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, एक स्क्रैप बुक हो गई है तो दूसरी आ जाएगी। हाँ दूसरी नहीं आएगी। अच्छा वो तेरी फेवरेट थी तो कोई बात नहीं बेटा, बाद में ढूंढ लेंगे। मम्मी वो जरूरी स्क्रैप बुक है, उसमें मैंने लिखा है कि मैं एक लड़की हूँ। अरे बस अब ये लिखने की क्या जरूरत थी। वीर जी अब तो ये बुक बड़ी जरूरी है, घर का कोना कोना छान मारो, वो एक एक ईंट उखाड़नी पड़े वो भी उखाड़ दो। बुक नहीं मिली ना स्यापा पै जाना, भूचाल आ जाना इस घर में। तो पापा को बताना ही पड़ेगा स्क्रैप बुक के बारे में। कहाँ हुआ बिटिया, स्कूल बंद है का? नहीं भूचाल आने वाला है। कहाँ स्कूल में? नहीं पापा। कहाँ ही आने वाला है? अरे चलो तो भागो, अपना अपना जन्मा बचा। पापा ऐसा अमृता आंटी कह रही थी कि भूचाल आने वाला है। अरे पहेलिया मत बुझा भाई, साफ साफ बताइए। रविंदर के घर में सब लोग एक स्क्रैप बुक ढूंढ रहे हैं और अमृता आंटी कह रही थी कि वो स्क्रैप बुक नहीं मिली तो घर में भूचाल आ जाएगा। मतलब जरूर उस स्क्रैप बुक में कोई विस्फोटक सामग्री है।
स्क्रैप बुक में है का? मतलब किसका है वो स्क्रैप बुक? किसी का भी हो, हमें तो रविंदर के घर में बुचा से मतलब है। अरे वाह, एकदम अपनी अम्मा पर गई है, तुम्हारा दिमाग घड़ी की सुई की तरह एकदम चलता है। यहाँ कहाँ बैठी हो? जाइए भाई जाइए, आपका काम हो गया, अब हमारा काम शुरू होता है। हाय रब्बा, पूरे घर में ढूंढ लिया, अब और कहाँ ढूंढूं? हेलो, तेज बहादुर स्पीकिंग, वो साबजी तेज बहादुर बोल रहे। हेलो साबजी, आपका आवाज नहीं आ रही। हेलो साबजी, वो हमको रंजन साहब को फोन करना था, हम फोन ही नहीं करी। हेलो, हाँ हेलो, वो साबजी भूसा ला गया है। और ये बताओ कि वो स्क्रैप बुक है किसका और उसमें है का? मुझे तो नहीं पता साबजी, आपको बताओ तो आप ही बता दो। अरे बेवकूफ, हम तुमको हुआ काहे फिट कराए हैं? उस रोड में पहुंचाने के लिए, मेरा मतलब है इधर की बात उधर पहुंचाने के लिए। अरे हाँ ठीक है, तो उधर का बात इधर करो भाई। ठीक है साहब जी, मैं पूछ के बताता है। अरे पूछ के नहीं, खुद से पता करो, समझा? ओके साहब जी, हॉर्न ओके प्लीज, पॉम पॉम। तुम बुरबक है, क्या समझा?